नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 12 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। दोस्तों आज के दिन यानी 12 जुलाई के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। बात करें अगर हम पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में दोस्तों महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 के आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है तथा इसका जो आयोजन है यह केरल राज्य में किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में, तो इसका जो आयोजन है केरल के कोच्चि में किया जाएगा 1 अगस्त 2019 को। किसके द्वारा? तो केरल स्टार्टअप मिशन के द्वारा। तो आप याद कर लीजिएगा, डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 1 अगस्त 2019 को केरल के कोच्चि में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा तथा इसकी थीम क्या रखी गई। थीम आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी जो थीम है यहाँ की, इस वर्ष की थीम क्या रखेगी, थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक समावेशी उद्यमशीलता पारिस्थितिकी का विकास, थीम क्या है दोस्तों वर्ष 2019 के महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की, तो एक समावेशी उद्यमशीलता पारिस्थितिकी का विकास इस वर्ष की थीम रखी गई है महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न से रिलेटेड तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो केरल के कोच्चि में इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 1 अगस्त 2019 को इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसकी थीम क्या है इस वर्ष की, तो एक समावेशी उद्यमशीलता पारिस्थितिकी का विकास इस वर्ष की थीम रखी गई है इस शिखर सम्मेलन की। तो ये तीन प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगर हम बात करें केरल राज्य के बारे में जहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, तो मैप में यहाँ पे केरल है। सबसे पहले आपकी इसकी राजधानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो केरल राज्य की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम। क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम यहाँ की केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम दोस्तों केरल की राजधानी है। और इसके बाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, तो यहाँ के सीएम कौन है, तो पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। कौन है दोस्तों? पिनराई विजयन सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर है यहाँ केरल राज्य के। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है केरल के, तो केरल के राज्यपाल हैं पी सत्यशिवम। कौन है? पी सत्यशिवम। कौन है दोस्तों? पी सत्यशिवम यहाँ के राज्यपाल हैं केरल राज्य के। इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ के जो सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा की या विधानसभा की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम विधानसभा से, सभा से। तो यहाँ से विधानसभा की सीटें टोटल कितनी हैं, तो टोटल 140 सीटें हैं विधानसभा की केरल में। और उसके बाद राज्यसभा की अगर हम बात करें, तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 9 हैं। और इसके बाद जो लोकसभा की सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें यहाँ पे कितनी हैं, तो 20 सीटें हैं लोकसभा की। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। एक चीज़ और यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बनता है केरल राज्य से दोस्तों, कि एक नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। लगभग हमने जहाँ तक देखा हुआ है लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे दोस्तों? केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है केरल से रिलेटेड। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला प्रश्न 12 जुलाई के करंट अफेयर्स के वीडियो का। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो इस पर एक लाइक तो आप ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ इस वीडियो को अपने कलीग्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो ये वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न आज के दिन के हैं। बात करें अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो हाल ही में किसे भारत संचार निगम लिमिटेड का नया CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। इनका क्या नाम है? प्रवीण कुमार पुरवार, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। हाल ही में प्रवीण कुमार पुरवार को दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड का नया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।
बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में तो प्रवीण कुमार पुरवार को दोस्तों बीएसएनएल का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है यह 5 वर्ष का होगा। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं प्रवीण कुमार पुरवार और इन्हें CMD नियुक्त किया गया है भारत संचार निगम लिमिटेड का। अगर हम बात करें BSNL के बारे में जिसका CMD इनको नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं BSNL का लोगो, यह भारत सरकार की कंपनी है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी तो वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। आप इसे याद कर लीजिएगा, वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है तो नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में BSNL का हेडक्वार्टर है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा आज का है, हाल ही में किससे के द्वारा ऑपरेशन थ्रस्ट की शुरुआत की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में ऑपरेशन थ्रस्ट की शुरुआत की गई है, आपको बताना है कि यह शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो हाल ही में दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन थ्रस्ट की शुरुआत की गई, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का क्या नाम रखा गया है, ऑपरेशन थ्रस्ट। अगर हम बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में तो ये जो ऑपरेशन थ्रस्ट दोस्तों इसके द्वारा RPF ने जो रेलवे परिसर होंगे उसमें अनधिकृत यानी अनऑर्गेनाइज्ड जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसको बिक्री पर रोक लगाया जाएगा इस ऑपरेशन थ्रस्ट के तहत। क्या ऑपरेशन का, इस ऑपरेशन का जो मेन उद्देश्य वो है कि अनधिकृत पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री पर रोक लगाना इस ऑपरेशन का मेन उद्देश्य है, ऑपरेशन थ्रस्ट का। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में जो हमारे केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर हैं तो वो हैं पीयूष गोयल जी हैं, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके साथ एक चीज़ और आपको याद रखनी है, RPF की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है RPF की स्थापना सब पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न में, तो RPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई वर्ष 1984 को। कब हुई थी, 27 जुलाई वर्ष 1984 को RPF की स्थापना की गई थी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। तथा एक चीज़ और, इसका हेडक्वार्टर भी RPF का हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो RPF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तथा हमने बात कर ली थी केंद्रीय रेल मिनिस्टर कौन हमारे, तो पीयूष गोयल हैं। तो इतनी चीज़ें बस आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में दोस्तों यूक्रेन के द्वारा, किसके द्वारा, हाल ही में यूक्रेन देश के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम का उद्घाटन किया गया, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में तो यूक्रेन ने दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम का उद्घाटन किया है। दोस्तों यह 108 मीटर ऊंचा गुंबद है जिसका वजन 36,000 टन है। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मेटल डोम है जिसका उद्घाटन यूक्रेन के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों यूक्रेन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये यूक्रेन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैप में आप देख पा रही है, मैप है यूक्रेन का। सबसे पहले बात करें इसकी स्थिति की तो यह पूर्वी यूरोप का एक देश है। किसका, पूर्वी यूरोप का एक देश है यूक्रेन। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके भौगोलिक स्थिति की यानी इसके पड़ोसी देशों के बारे में तो इसकी जो पूर्व की सीमा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी पूर्व की सीमा रसिया से लगती है। और इसके बाद इसके उत्तर की सीमा की हम बात करें तो बेलारूस इसके उत्तर में है, उसके बाद पोलैंड भी है और रोमानिया भी है इसके उत्तर में। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके पश्चिमी सीमा की तो पश्चिम में इसके हंगरी है। कहाँ है दोस्तों, पश्चिम में इसके हंगरी है। तो अब इसे भी याद कर लीजिए कि इसके पश्चिम में हंगरी है। और इसके अगर हम बात करें, इसके हम बात करें राजधानी की, तो बात हुई इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ और जान लेते, तो सी ऑफ अजोव की सीमा भी इससे लगती है। किसकी, सी ऑफ अजोव की सीमा भी आप देख पा रहे हैं इससे लगती है, इसके दक्षिण में है। काला सागर भी है, ब्लैक सी भी आप देख पा रहे हैं, ब्लैक सी की सीमा इसके लगती है, दक्षिण में इसके है। और इसके बाद सी आप अजो की सीमा भी यूक्रेन से लगती है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी आपको याद होना चाहिए, डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें अब इसके राजधानी की, तो यूक्रेन की राजधानी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। यहाँ पे देख पा रही है यूक्रेन की राजधानी, और यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। और इसके बाद यहाँ के करेंसी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम में करेंसी क्या है, तो रिबनिया, क्या है,
रिवनिया क्या है दोस्तों? रिवनिया प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन की करेंसी है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र की गवाह सुरक्षा योजना को लागू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये जो गवाह सुरक्षा योजना दोस्तों, यह 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। तथा आपको बताएं कि हाल ही में इस गवाह सुरक्षा योजना जो 2018 है, इसको हाल ही में किस राज्य ने लागू किया यानी शुरू किया है? तो हाल ही में ओडिशा की गवर्नमेंट ने दोस्तों केंद्र सरकार की जो योजना है गवाह सुरक्षा योजना 2018 को अपने राज्य में लागू कर दिया है। बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में, तो उड़ीसा सरकार ने दोस्तों हाल ही में राज्य के उच्च न्यायालय में सूचित सॉरी हाल ही में उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने राज्य के उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि राज्य सरकार ने केंद्र की गवाह सुरक्षा योजना यानी 2018 को क्रियान्वयन कर दिया है अपने राज्य में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें गवाह सुरक्षा योजना 2018 के बारे में, यह है क्या? तो इस योजना का जो निर्माण है यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों व 5 राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों, पुलिस तथा 3 उच्च न्यायालयों से इनपुट प्राप्त करने के बाद किया गया था। दोस्तों इस योजना का जो मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है गवाहों की सुरक्षा करना या उनको सुरक्षा प्रदान कराना, ताकि निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। तो हाल ही में इस गवाह सुरक्षा योजना को लागू करने वाला लेटेस्ट राज्य बना है ओडिशा। अगर हम बात करें ओडिशा गवर्नमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे, ये है ओडिशा का मैप। यहाँ पे ओडिशा है, सबसे पहले यहाँ की राजधानी सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है ओडिशा की। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है यानी गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के गवर्नर हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे लोकसभा विधानसभा राज्यसभा सीटों की, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विधानसभा से। तो विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? तो 147 विधानसभा की सीटें यहाँ पे हैं। और इसके बाद राज्यसभा सीटों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे राज्यसभा की टोटल सीटें हैं 10 सीटें हैं। और इसके बाद लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में टोटल 20 सीटें हैं लोकसभा की। तो इतनी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत का पहला गाय अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? दोस्तों ये जो भारत का पहला गाय अभयारण्य है यह चर्चा में रहा है हाल ही में, इसी कारण इस यह प्रश्न मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो भारत का जो पहला गाय का अभयारण्य है यह मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें भारत का पहला गाय अभयारण्य चर्चा में क्यों है, तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला गाय अभयारण्य कामधेनु गौ अभयारण्य जिसका नाम है मध्य प्रदेश के अगर मालवा डिस्ट्रिक्ट्स में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के अगर मालवा जिले में यह स्थित है गाय अभयारण्य, इसका नाम है कामधेनु गौ अभयारण्य। यह अभयारण्य दोस्तों हाल ही में सुर्खियों में रहा है, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ने वित्तीय संकट के कारण इस गाय अभयारण्य का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय लिया है। इसी कारण से यह भारत का पहला गाय अभयारण्य जिसका नाम है कामधेनु गौ अभयारण्य यह चर्चा में बना हुआ है। इसमें दोस्तों इस अभयारण्य में टोटल 4,000 गायें रह रही हैं। यह 472 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभयारण्य की स्थापना मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड ने 32 करोड़ रुपए की लागत से की थी। तो इतनी डिटेल आपको याद रखनी है इस भारत के पहले गाय अभयारण्य के बारे में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य के बारे में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे, यह है मध्य प्रदेश का मैप। सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के जो सीमा किस किस राज्य से लगती है, तो यहाँ पे इसके उत्तर में आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर में इसके यूपी है, इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है। और इसके बाद इसके पूर्व की बात करें, तो यहाँ पे इसके पूर्व में ये है छत्तीसगढ़ है। और इसके बाद अगर हम इसके दक्षिण की बात करें, तो इसके नीचे यहाँ पे देख पा रही है महाराष्ट्र है। और इसके बाद इसके हम पश्चिम की बात करें, तो यहाँ पे गुजरात है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गुजरात की सीमा भी इससे लगती है। तो ये सभी हैं उत्तर पश्चिम में, यहाँ पे राजस्थान है। तो ये सभी राज्य हैं जिनकी सीमाएं मध्य प्रदेश से टच होती हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है?
मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों कमलनाथ हैं। कौन है? कमलनाथ, जो कि कांग्रेस के हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और इसके बाद यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। कौन है? आनंदी बेन पटेल यहाँ की गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश की। और यहाँ के सीटों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो विधानसभा से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है यहाँ पे? तो विधानसभा की 231 सीटें। कितनी है? 231 सीटें विधानसभा की हैं। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी है? तो राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो लोकसभा की टोटल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, तो किस राज्य में की जाएगी? तो भारत के पहले जो हाथी पुनर्वास केंद्र है इसकी स्थापना दोस्तों केरल राज्य में की जाएगी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में, तो भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना केरल के कोत्तूर में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? केरल के कोत्तूर में भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र में हाथी संग्रहालय, महावत प्रशिक्षण केंद्र तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध होगी। इस केंद्र में बूढ़े, बीमार तथा घायल हाथियों को भी रखा जाएगा। तो आप इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी रखिएगा। यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा हाथी पुनर्वास केंद्र? तो केरल के कोत्तूर में। अगर हम बात करें केरल के बारे में, तो केरल के बारे में मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बता दिया है, तो थोड़ी सी जानकारी हम आपको मैं बता दूँ फिर से। यहाँ के सीएम कौन है? तो केरल के सीएम आप याद रखिएगा, केरल के सीएम कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में पिनराई विजयन है। कौन है? पिनराई विजयन केरल के सीएम है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं पी सत्शिवम है। और यहाँ के जो राजधानी है तो वो तिरुवनंतपुरम है। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखिएगा केरल से रिलेटेड। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, तो हाल ही में जो विश्व जनसंख्या दिवस है यह कब मनाया गया? तो हाल ही में दोस्तों जो विश्व जनसंख्या दिवस है इसको मनाया कब गया? तो हाल ही में 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया गया। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न रिलेटेड। कब मनाया गया? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। बात करें इसके डिटेल के बारे में, तो 11 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया गया। दोस्तों इसको मनाए जाने का जो मेन उद्देश्य है इस दिवस का जो मेन उद्देश्य है बहुआयामी उद्देश्यों में लिंग भेद, लिंग समानता, परिवार नियोजन आदि के साथ महिलाओं के गर्भधारण संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को मनाए जाने का मेन मोटिव है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। इसके बाद कुछ चीज़ें और अगर आपको याद रखने की ज़रूरत है, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ विश्व जनसंख्या दिवस से रिलेटेड, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस से रिलेटेड, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले पहली बार इसको मनाया कब गया था? तो सबसे पहले जो विश्व जनसंख्या दिवस है इसको 11 जुलाई कब मनाया गया था? 11 जुलाई 1989 को। कब मनाया गया था पहली बार? 11 जुलाई 1989 को पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया गया था। उस समय जो विश्व की जनसंख्या थी 5 करोड़ थी। उस समय विश्व की टोटल जनसंख्या 5 करोड़ थी। तो अब इसे भी याद कर लीजिएगा तथा प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले जनसंख्या के मामले में नंबर वन पे देश कौन है, देश भी डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड फैक्ट्स है। तो सबसे पहले चीन है, सबसे पहले में जनसंख्या के मामले में चीन है। और उसके बाद नंबर टू पे हमारा प्यारा देश भारत है जनसंख्या के मामले में। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट हमारा करंट आज का, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2020 से हवाई जहाज के टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2020 से हवाई जहाज के टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा। तो हाल ही में फ्रांस की गवर्नमेंट ने यह घोषणा की है कि वर्ष 2020 से वो हवाई जहाज के टिकटों पे ग्रीन टैक्स लगाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है।
बात करें इस प्रश्न के डिटेल के बारे में कुछ, तो फ्रांस ने दोस्तों हाल ही में 2020 से हवाई जहाज के टिकटों पर 18 यूरो का ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। इस टैक्स का उपयोग कम प्रदूषण वाली परिवहन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। अगर अब बात करें फ्रांस के बारे में कुछ, जिसके द्वारा यह ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, तो यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे, यह है फ्रांस का मैप। क्या है यह? है फ्रांस का मैप। सबसे पहले इसके हम पड़ोसी देशों की से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें, तो इसके उत्तर में यहाँ पे देख पा रहे बेल्जियम की सीमा इसे लगती है, उसके बाद लग्जमबर्ग की सीमा लगती है, और इसके पूर्व की अगर हम बात करें तो इसके पूर्व में कौन है, तो इसके पूर्व में यहाँ पर जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, उसके बाद इसके पूर्व में इटली भी है। तो इटली की भी सीमा यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके पूर्व में इटली है, इसकी भी सीमा इससे लगती है। इसके बाद के दक्षिण पश्चिम में कौन सा देश है, तो इसके दक्षिण पश्चिम यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पेन है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। और पश्चिम में इसके अटलांटिक महासागर है, देख रहे हैं यहाँ पे अटलांटिक महासागर का ये एरिया है इसके पश्चिम में। तो इसके बाद इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है, इसके बाद देख पा रहे हैं इसके मेडिटेरियन सी की भी सीमा फ्रांस से टच होती है। तो ये कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इसके एक चीज़ और जो प्रश्न यहाँ से फ्रांस से रिलेटेड बन सकता है कि इसके उत्तर पश्चिम, यहाँ पर देख पा रही है इसके उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल है। क्या है? इसके उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल की भी सीमा लगती है। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं फ्रांस की भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड। तो ये तो बात हुई इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब बात करें इसके कुछ राजनीतिक इसके बारे में। तो यहाँ के सबसे पहले यहाँ की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है। इसके बाद यहाँ के राष्ट्रपति आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो इमानुएल मैक्रोन। कौन है? इमानुएल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इनको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी फैक्ट्स आप याद रखिएगा, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रोन, इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ ही। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस के करेंसी की, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो यूरो क्या है, यूरो फ्रांस की करेंसी है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, फ्रांस से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न की, जो आज का हमारा लास्ट भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 33 उपग्रहों के साथ अपना सोयूज कैरियर रॉकेट लॉन्च किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में यह जो 33 उपग्रहों के साथ अपना सोयूज रॉकेट कैरियर लॉन्च किया गया है, यह रूस के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। रूस ने हाल ही में दोस्तों 33 उपग्रहों के साथ अपना सोयूज कैरियर रॉकेट लॉन्च किया, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। हाल ही में दोस्तों रूस ने हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल उपग्रह और 32 छोटे उपग्रहों के साथ सोयूज 2.1A वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह का जो मेन उद्देश्य है वह बादलों, पृथ्वी की सतह, दृश्यमान अवरक्त और माइक्रोवेव पर्वतमाला में बर्फ की छवियों को प्रदान करना है। तो यह जो 33 उपग्रहों का जो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रूस की गवर्नमेंट के द्वारा। तो बात कर लेते हैं कुछ रूस के बारे में भी। तो यहाँ पर रूस का मैप है, सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को जान लेते हैं। इसके पड़ोसी देशों की सीमाओं की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें किस देश की सीमा इससे टच होती है, तो यहाँ पे देख पा रही है एक छोटी सी सीमा नॉर्वे, ग्रीन कलर का जो है नॉर्वे की सीमा इससे टच होती है। उसके बाद यहाँ पे फिनलैंड की सीमा इससे टच होती है। उसके बाद एस्टोनिया, छोटी सी होगा एस्टोनिया की भी सीमा इससे टच होती है। उसके बाद यूक्रेन की सीमा इससे टच होती है। उसके बाद कजाकिस्तान यहाँ पे देख पा रहे हैं, मंगोलिया की सीमा, उसके बाद चाइना की भी सीमा इससे टच होती है रसिया से। तो ये कुछ सीमाएं हैं देशों की जिसके सीमाएं रसिया से लगती हैं। इसके बाद दोस्तों रसिया के अगर हम राजधानी की बात करें, तो मॉस्को यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन रसिया के राष्ट्रपति हैं। और रसिया की जो प्रेजेंट टाइम में जो करेंसी है वो है रूबल। क्या है? रूबल प्रेजेंट टाइम में रसिया की करेंसी है। और एरिया के मामले में रसिया पूरे विश्व में नंबर वन पे आता है। तो नंबर वन के मामले में, एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है रसिया।
तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। तो दोस्तों ये था 12 जुलाई के करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।